Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Cook and Eat with Maria. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कभी कभार छोटी छोटी खुशियाँ भी आपको बहुत बड़ी लगती हैं। आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 500, माशाल्लाह से माशाल्लाह जी। और इस बात पे मैं तो हूँ बहुत खुश, लेकिन अभी भी सफ़र है बहुत लंबा और चाहिए आप लोगों का साथ। तो डेफिनेटली आप लोग तो देंगे मेरा साथ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताना था कि मैं तो भई हो गई हूँ, थक गई हूँ मटन खा के। तो सोचा आज क्यों ना चने बनाएं, वो भी लाहौरी स्टाइल में। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं करते अपना वेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया, तकरीबन 1 से 1.5 किलो जितने चने लिए, उनको मैंने सारी रात भिगो दिया। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक चिकपीज लिए हैं, आप चाहें तो जो रेगुलर मार्केट से मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं। उनको आई थिंक अगवानी चने कहते हैं या जो भी कहते हैं, जो ज़रा साइज़ में ज़रा मोटा होता है, बट ये साइज़ में छोटे होते हैं। बट अगर फ्लेवर की बात की जाए तो इसका फ्लेवर बहुत बेहतरीन होता है। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में किया है, आप चाहें तो पतीली में भी डाल दें, क्योंकि ये सारी रात इसको मैंने सोक कर दिया था, तो उससे ये होता है कि ये अच्छे से जल्दी से गल जाते हैं। लेकिन टाइम बचाने के लिए आप इसको प्रेशर कुकर में डालें। लेकिन जिन लोगों को लगता है डर प्रेशर कुकर से, बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो वो पतीली में इसको चढ़ा दें। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल देना है 1/2 टीस्पून जितना। ये मेरे पास धनिया पाउडर है जो मैंने डाला है 1 टीस्पून जितना, और इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 पिंच जितना मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा डाल के, और इसमें ढेर सारा पानी जितना आपका लेवल प्रेशर कुकर सह सके, यानी जितना उसका लेवल है उतने लेवल से नीचे आपने इसमें पानी डाल के इसको जो है प्रेशर कुकर लगा देना है। अब मेरे चने, अब आप देख सकते हैं कि ये जब इस तरह हिले, तो इसके भी आपने 10-15 मिनट बाद इसको बंद करना है। और उसके बाद जो है आपने बहुत एहतियात से बंद करना है, स्पेशली जो नए लोग हैं तो ये ना जलबल जाएं, तो इसको ठंडा करने के बाद आपने खोलना है। अब यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे जिनको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं चने चेक कर लेती हूँ, मेरे चने बहुत अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। तो अब हम बाकी रेसिपी की तरफ चलेंगे और बाकी इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलेंगे, जो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा सकूँ। सो सबसे पहले मैंने ये मैशर होता है, ये आप सब लोगों के घरों में होगा, अगर नहीं भी है तो आप चम्मच के साथ इसको आप साथ साथ में चनों को मैश कर लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून, प्याज मैंने 2 लिए थे और हरी मिर्चें 5-6, और इनको मैंने पेस्ट बना लिया था, इनका 2 बड़े साइज़ के प्याज, और मैंने उसमें डाली हरी मिर्चें और पेस्ट बना लिया। यहाँ पे 1 कप मेरे पास दूध है जो इसमें डालना है। दूध नॉर्मली खाना जब जल भी जाए तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मैं डाल रही हूँ। और ऑयल मेरे पास तकरीबन 1.25 कप जितना है, थोड़ा सा मैं पहले डालूंगी, बाकी का हम तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे वही आलू जो मैं आपके सामने बॉयल कर रही थी, इसको मैंने मैश कर लिया है बहुत अच्छे से। आपने अच्छे से बॉईल करना है और मैश उनको कर लेना है, बीच में गुठलियां नहीं रहनी चाहिए आलू के, ठीक है। और लाल मिर्च है जो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी पहले, और बाकी रखेंगे हम 1/2 टीस्पून जितनी बाद में। और ये चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर था। यहाँ पे है मेरे पास गरम मसाला और मेथी सूखी है 1 टीस्पून जितनी, और ये है यहाँ पे कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून जितना, हल्दी है यहाँ पे 1 टीस्पून जितना, और ये है मेथी दाना 1/2 टीस्पून जितना, और ये धनिया पाउडर है जो है 1 टेबलस्पून जितना। और लाल मिर्च हमें अलहदा से चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 जगह पे डलनी है तो उसके हिसाब से। और ये काली मिर्च है जो हम लेंगे 1/2 टीस्पून जितनी। तो इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन रेसिपी है बहुत बेहतरीन, आप लोगों को बहुत मज़े आने वाला है और आप लोगों ने ये ट्राई भी करनी है। उसके बाद मैं जैसे कि आपको बताया कि मैशर की मदद से आप लोगों ने क्या करना है कि इसको मैश कर लेना है चनों को। अगर मैशर नहीं है, ऐसा मैशर नहीं है, तो आप अपने किसी स्पून से भी इस चनों को मैश कर सकते हैं, यानी आधों को आप मैश कर लें और आधों को आप खड़ा खड़ा रख लें। उसके बाद कोई कढ़ाई लें, कोई पैन लें, कोई पतीली लें, जो आपके घर में बर्तन मौजूद है वो ले लें, और उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल आपने देखा कि मैंने बहुत 3 से 4 टेबलस्पून डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमने इसके ऊपर तड़का लगाना है, तो ज़्यादा ऑयल हम उस वक्त डालेंगे। और वैसे मेरा ये तजुर्बा कहता है कि अक्सर चने हो गए, चनों की दाल होगी, उसमें ऑयल आप जितना भी डालें ना वो गायब हो जाता है, पता नहीं किधर चला जाता है। तो बस ये ऑयल को मैंने गर्म किया, उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया था 2 टेबलस्पून, और उसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें मैं प्याज डालूंगी जो हमने लिए थे, मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्च डाली थी, उसका मैंने एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैं ये सारा पेस्ट इसमें डालूंगी, और अब काम है आपका भुनाई का। इस स्टेप पे आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे खाने में कच्चा एक प्याज का फ्लेवर आए। तो आपका यहाँ पे भुनाई का इम्तिहान है कि आपने भुनाई कितनी ज़्यादा करनी है। तो जो लोग भागते हैं भुनाई करने से, उनके लिए सॉरी ये रेसिपी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी जान जाती है भूनते हुए हांडी। ओके जी, मैं यहाँ पे मिस हो गया था ये स्टेप। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया था, 2-3 बड़ी इलायची, दालचीनी 2-3 स्टिक और छोटी इलायची 2-3। ये वहाँ मैं इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को बताना भूल गई। जब प्याज बहुत अच्छे से भून जाए तो आपने ये वाली तीनों चीज़ें इसमें डाल देनी है। अब बाकी हम मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी है, जिसमें मेथी दाना है, जिसमें जीरा पाउडर था, लाल मिर्च थी और ये सारी चीज़ें थी जो आपने डालनी है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दी होती है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। नीचे लगने से जो हमारा सालन होता है, जो हांडी होती है, उसका फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाता है। तो कोशिश क्या करें कि आपका सालन या आपका मसाला नीचे ना लगे। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी में डालती रहूंगी ताकि भुनाई भी अच्छे से हो जाए और हमारा जो है वो मसाला नीचे ना लगे। चले जी, आपने इसको अच्छे से भूनना है। आपने घबराना नहीं है कि इसका कलर ख़राब है। अभी देखिएगा कितना हसीन हो जाना है सालन ने। ओके जी, यहाँ पे मैंने डाला है चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर लिया था हमने 1 टेबल स्पून। फिर कह रही हूँ कि अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं प्याजों को कर चुकी हूँ भुनाई, इनको मैंने अच्छी खासी जो है कर दी है मैंने इनकी धुलाई। तो अब इसके साथ ही हम डालेंगे आलू, आलू इन पोटैटो जो हमने मैश किए थे, सॉरी, तो वो आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से भूनना है और अच्छे से मैंने भुनाई करनी है। आलू की बात से मुझे कोई बात याद आ गई और मेरा जो सारी टेंशन उधर चली गई। ओके जी, अब मैं इसमें चने डाल दूंगी जो हमने बॉयल किए थे थोड़ी देर पहले, और उसके साथ जो पानी था, यही जो इसकी यखनी थी, उसको आपने फेंकना नहीं है। हमने उस यखनी समेत इसमें डाले हैं चने। अब यहाँ पे मैं डालूंगी नमक जो मैंने डाला है 1 टीस्पून। वैसे आप हंसबे जायका डाल सकते हैं, टेस्ट कर लें, नमक का कोई इतना इशू नहीं होता। आप बाद में टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक ठीक है, कम है, ज़्यादा है। अब मैं डालूंगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, जो हमने शुरू में नहीं डाली थी, हम इस वक्त डालेंगे। काली मिर्च अगर आप पहले डाल दें सालन में तो सालन काला हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा काली मिर्च एंड में डाला करें। ओके जी, अब मैंने डाल देना है इसमें दूध ताकि इसका कलर जो है बहुत फ्रेश लाइट सा आ जाए। हमें बहुत डार्क कलर इसका नहीं चाहिए, मतलब जैसे नॉर्मली चनों का सालन होता है। और एक बात मैं आपसे कहूँ कि ये लाहौरी टिपिकल चने हैं, तो आप इसको नान के साथ खाएंगे, पूरी के लिए अलहदा चने होते हैं, चावलों के लिए अलहदा चने होते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मैं आप लोगों को सारी रेसिपीज सिखाऊंगी। चनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे आती है, तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। अब आपने इसको बॉयल आने देना है, कम से कम आप इसको 6 से 7-8 मिनट पकाएं ताकि कच्चापन ना रहे किसी भी चीज़ का। हांडी उसी वक्त मज़े की लगती है जब अच्छे से कुक हो। तो अब बस आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये पक रहा है। सॉरी, आज बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो वाई, बट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके जी, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, जो मैंने लिया 1 कप। अब हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए, और इसमें मैंने 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्च डाली, और इसको मैंने करना है इसको फ्राई, बट 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। आँच आपने स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना, उससे ये होगा कि मिर्चें जल जाएंगी तो आपको खांसी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मिर्चें जलती हैं तो इरिटेशन शुरू हो जाती है आपके गले में, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और दूसरा, जब ये बर्न हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इसको जलाना नहीं है, बस इसका जो कच्चापन है ना उसको आपने जो है ख़त्म करना है। और बस जी, इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया, हल्की आँच, देख सकते हैं आपको साइड भी नजर आ रही होगी, आंच हल्की है। तो बस जी, आपने इसको करके हल्का सा आपने चम्मच हिलाना है, जोर से नहीं हिलाना प्लीज, मतलब जोर से हिलाएंगे तो इसकी जो हमारी ये जो हम तरी जिसको कहते हैं ना, ये गायब हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये गायब ना होए, जो ये ऑयल है, ये तड़का है, इसको गायब नहीं होना चाहिए। क्योंकि खाना जब हम सर्व करते हैं तो उस सबसे पहले खाने वाले की नज़र उसकी प्रेजेंटेशन पे जाती है कि क्या कितने अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, तो फिर उसका खुद ही वो दिल चाहता है कि उसको खाए। और फ्लेवर फिर बाद की बात है, डेफिनेटली फ्लेवर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बट ऑयल इसके ऊपर अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने पहले ऑयल कम डाला। मैं ज़्यादा हक में नहीं हूँ कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप खाएं, बट कुछ देसी खानों में ऑयल चलता है। तो ये था मेरा छोटा सा फलसफा खाने के बारे में। तो
वो मैं आप लोगों को अपना साथ साथ में देती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को लगी है मेरी रेसिपी अच्छी, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ज़रूर। और साथ ही साथ आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं जो रेसिपीज़ आप लोग मेरी ट्राई करते हैं उसकी। और जाते जाते एक ज़रूरी काम जो मैं हमेशा एंड में कहती हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।